हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको वर्ल्ड 10th के एग्जाम 2020 में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक्सरसाइज 17 के 17.2 के 2/7 क्वेश्चन करवा रहा हूं, जो इस बार के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि जो x की वैल्यू है 0, 1, 2, 3, 4 और 5। फ्रीक्वेंसी बार-बार था, f की वैल्यू हमें दी गई है 46, x, y 25, 10 और 5। इसका माध्य भी सवाल में पहले से दिया हुआ है। पहले मैं टेबल बना लेता हूं। माध्य ज्ञात करने के लिए हमें fx ज्ञात करना पड़ता है। fx का मतलब है f को x से क्या करना है, गुणा करना है। 46 को 0 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0। x को 1 से गुणा करेंगे तो x एक कम है, x। y को 2 से गुणा करेंगे तो 2y। 25 को 3 से गुणा करेंगे तो 25 दियो 75। 10 को 4 से गुणा करेंगे तो 10 होगा 40। 5 को 5 से करेंगे तो 5 5 25। इसका जोड़ क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी दे रखा है, सिग्मा का जोड़ 200 और अपन इसको जोड़ते हैं, देखते हैं क्या आता है। 25 और 5 30, 30 और 10 40, 40 और 40 80, 80 और 6 86 प्लस x प्लस y, ये इसका जोड़ कंप्लीट हो गया। सिग्मा एफ का जोड़ निकालते हैं, 75 और 25 100, 100 और 40 140 प्लस x प्लस 2y। अब क्वेश्चन में इसका जोड़ अपन को कितना दिया हुआ है, 200। तो प्रश्न अनुसार अपन इन दोनों को क्या रखेंगे, इक्वल 86 प्लस x प्लस y बराबर 200। 86 यहां पे प्लस का, आगे जाके माइनस का हो जाएगा, तो x प्लस y बराबर 200 माइनस 86, तो ये आएगा x प्लस y बराबर 200 में से 86 माइनस करेंगे तो आएगा 114, समीकरण 1। अब क्वेश्चन के अंदर माध्य हमें दिया हुआ है, तो माध्य का मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूं। माध्य x बार बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। सिग्मा एक्स की वैल्यू, सॉरी माध्य एक्स की वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी दी हुई है 1.46 इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू होती है ये, जो अपन ने इसका सिग्मा का जोड़ किया ना, ये सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू होती है। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू आई है अपने पास 140 प्लस एक्स प्लस 2y, और सिग्मा एफ की वैल्यू ये जो क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी दी हुई है वही रखनी है, अपन ने जोड़ी है वो नहीं रखनी है। जो क्वेश्चन में पहले से जोड़ दिया वो रखना है। तो सिग्मा एफ की वैल्यू अपन कितनी रखेंगे, 200। यहां पर ये 200 इसके भाग में इधर आके गुणा में हो जाएगा, 1.46 गुणा 200 इज इक्वल टू 140 प्लस x प्लस 2y। इसका पॉइंट हटाएंगे तो 146 बट्टा नीचे पॉइंट हटाएंगे तो 1 लग जाएगा, पॉइंट क्या के 1 2 2 संख्या तो नीचे 0 कितनी लगेगी, 2। 200 का 200 बराबर 146 प्लस x प्लस 2y। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 146 को 2 से गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, 1 8 पाई होगी, 4 दूनी 8, 8 और 1 9, 2 एक में 2 बराबर 140 प्लस x प्लस 2y। अब 140 यहां पे प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, 140 को मैं इधर लेके आ रहा हूं, 292
माइनस 140 प्लस एक्स प्लस 2y। 292 में 140 घटाएंगे, 2 में से 0 जा नहीं रहा है तो 12 में से 0 घटाएंगे, 2 में से 0 घटाया तो 2, 9 में से 4 गए 5 और 2 में से 1 गया 1, 152 is equal to x plus 2y को लिख सकते हैं y plus y, 1y और 1y कितना होता है 2y, इसको अपन तोड़ के लिख सकते हैं y plus y। अब ये जो x plus y है इसका मान अपन कहां से रखेंगे, x plus y का मान है हमारे पास समीकरण 1 में कितना है 114 है, तो अपन यहां पे y लिखेंगे समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से मान रखने पर समीकरण 1 से x plus y का मान रखने कितना 114 है, यहां पर रख देंगे 152 is equal to 114 है प्लस y, तो यहां से y बराबर क्या आएगा 152 तो यहां पहले से है ही, और ये y तो यहां पे रख लिया और ये इधर लेके आएंगे तो यहां प्लस का ताकि जाके किसका जाएगा माइनस का, तो y का मान हमारे पास आ जाएगा y बराबर 152, 152 में से 114 माइनस करेंगे तो यहां पे आएगा 38। अब ये जो y का मान है यहां से उठाकर इस समीकरण 1 में रख देंगे, यहां पे हमारे पास किसका मान आ जाएगा x का मान, तो यहां पे मैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 ये इसमें y का मान यहां पे रखूंगा तो ये आएगा x plus y का मान कितना है अपने पास है 38 है, y की जगह यहां पे y की जगह y का मान रखूंगा 38 बराबर 114 है, ये आ गया x plus सॉरी यहां 38 प्लस है आगे जाके किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर आ गया 114 माइनस 38 और 114 में से 38 माइनस करेंगे तो x का मान आएगा 76। इस क्वेश्चन में हमें ये जो x और y ये अज्ञात दो बार बताए हैं ये ज्ञात करनी थी जो हमने ज्ञात कर दी है, ठीक है।